तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अनु शुक्ला, आप देख रहे हैं उसका राइटर। तो आज हम बताएं कि अर्थ एनर्जी ईवी के बारे में। ये बिल्कुल नई कंपनी है इंडिया की और ट्रिक्स बाइक एंड स्कूटर लॉन्च करने वाली है। कब लॉन्च करेगी, प्राइस कितनी होगी, क्या क्या न्यू फीचर देगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बाइक से रिलेटेड कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी स्कूटर की। तो इसकी जो स्कूटर होने वाली है वो ग्लाइड प्लस के नाम से है इसकी स्कूटर होगी और इसकी जो प्राइस होगी वो 92,000 इसकी प्राइस ऑन रोड होगी। अगर यही बात करें इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक की जो है इवॉल्व जेट, इसकी प्राइस जो होगी 1,30,000 इसकी ऑन रोड प्राइस होगी। अगर यही बात करें इसकी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक की इवॉल्व आर, तो 1,42,000 इसकी ऑन रोड प्राइस होगी। अब बात करें इसकी हम लाइटिंग की, तो इसमें आपको फुली एलईडी लाइट मिल जाएगी, इसका हेडलाइट लगेगा, टेल लाइट भी एलईडी रहेगा, टर्न इंडिकेटर भी इसका एलईडी रहेगा। अगर बात करें इसकी मीटर की, तो फुली डिजिटल कंट्रोल मीटर मिल जाएगी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ट्रिपल नेविगेशन इसकी सारी सिस्टम जो है वो डिजिटल रहेगी। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो जो स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा वो आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और यही बाइक की बात करें तो आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्पेक्स की। जो स्कूटर की स्पेक्स होगी वो, अगर इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो 2.4 kW 26 Nm का आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाएगी। बैटरी की बात करें तो 52Ah लिथियम आइकॉन बैटरी मिल जाएगी और 100 km आपको ये जो है कि ये रेंज देगी। अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो 60 km प्रति हावर्स की आपको ये टॉप स्पीड देगी। अगर इसकी बात करें चार्जिंग की, तो नॉर्मल चार्जिंग से जो चार्ज होगा वो 2.5 hours को आपको नॉर्मल चार्ज से चार्ज होगा। अगर यहीं फास्ट चार्जिंग से बात करें, 40 मिनट आपको 0 to 80% आपको ये चार्ज 40 मिनट में कर देगी। अगर बात करें इसकी बाइक की, तो इवॉल्व जेड जो होगी वो उसका इलेक्ट्रिक मोटर 5.3 kW 56 Nm की आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगाई रहेगी। अगर बैटरी की बात करें तो 96Ah लिथियम आइकॉन आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी। अगर बैटरी रेंज की बात करो, 100 km आपको ये किलोमीटर बैटरी रेंज देगी। अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो 95 km प्रति आवर्स की आपको टॉप स्पीड देगी। अगर नॉर्मल चार्ज की बात करें, तो 2.5 hours से आपको नॉर्मल चार्ज से चार्ज हो जाएगी। अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें, तो 40 मिनट में आपको 0 to 18% की आपको चार्ज देगी। अगर यहीं बात करें तीसरी बाइक की इवॉल्व आर की, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी वो 12.5 kW 54 Nm ये आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। अगर बैटरी की बात करें तो 115Ah लिथियम आयोन आपको बैटरी मिलेगी। अगर इसकी बैटरी रेंज की बात करें, तो 110 km की आपको ये बैटरी रेंज मिल जाएगी। टॉप स्पीड की बात करें, तो 110 km प्रति हावर्स की टॉप स्पीड देगी। अगर बात करें इसकी चार्ज की, तो जो नॉर्मल चार्ज होगी इसकी वो 2.5 hours की नॉर्मल चार्ज मिल जाएगी इसकी। अगर इसकी फास्ट चार्ज की बात करें, तो 14 मिनट आपको 0 to 18% ये आपको चार्ज कर देगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी डिलीवरी की, कि ये लॉन्च कब होगी। तो जो स्कूटर की डिलीवरी होगी वो फरवरी के मिड में आपको ये स्कूटर डिलीवरी मिल जाएगी। अगर बाइक की बात करें, तो अप्रैल की 2021 में आपको ये अप्रैल में लॉन्च हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास इन इन्फॉर्मेशन थे, मैं आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही बाइक से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।